वेलकम टू सीसी शिक्षा। मैं दिनेश आसार। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास टेंथ का सेकेंड चैप्टर को दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें हम लोग बेसिकली बेसिक फंडामेंटल को देख लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लिया, आज देख रहे हैं हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज। क्लियर? तो चलिए, सेकेंड एक्सरसाइज है हम लोगों का इस तरीके से, क्या बोल रहा है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हाल है, कौन इसका दिए गए समीकरण का हाल है, इसको आपको चेक करना है। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम एक्स इक्वल टू लिखना है 2 और वाई इक्वल टू लिखना है, वो मेंशन करना है आपका 5, और y इक्वल टू करना है आपका x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू करना है आपका 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए क्या दिया है, हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपका 7। अब यहाँ पर अ का रखते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम लोग कितना रखते हैं 2 और वाई इक्वल टू कितना रखते हैं 5। चलिए, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई है इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। मतलब LHS इक्वल टू ये क्या है आपका RHS, मतलब ये आपका सत्य है अ के लिए। अब ब के लिए सत्य है कि नहीं इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना है भाई 7 है, x इक्वल टू यहाँ पर आपको रखना है -1 और y इक्वल टू रखना है भाई 3। क्लियर? तो चलिए फिर से यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास x प्लस वाई, तो -1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आपका LHS इज नॉट इक्वल टू है आपका RHS, मतलब पहला वाला अ के लिए यह क्या है सत्य है, समीकरण का हल अ के लिए है, ये आपका अ के लिए है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं, 2x प्लस 5y के लिए, यहाँ पर 2x प्लस 5y के लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू है 13। तो फर्स्ट टाइम अ बराबर हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पर x की जगह में 2 रखना है भाई और y की जगह में कितना रखना है 5 रखना है। तो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से हम लोग लेते हैं। क्लियर? तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 2x की जगह मेंशन कीजिए, पुट कीजिए 2 प्लस 5 हो जाएगा, वाई की जगह मेंशन कीजिए 5, 5 जा कितना हो जाएगा 25, 2 जा 4, 5 जा 25, 25 इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा 29, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर? ये हो गया अ को पुट किए, तो अब ब को पुट करते हैं भाई। ब का पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, x की जगह हम कितना रखेंगे -1 और प्लस 5 y की जगह हम रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू आ जाएगा आपका 13, मतलब ये ब के लिए सत्य है। ये आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ब के लिए सत्य है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका अ के लिए सत्य है। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस समीकरण आपको दिया गया है, ये आपका दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब जिसमें चर राशि की घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसमें चर राशि की घात 2 होती है उसको वर्ग समीकरण बोलते हैं, जिसमें चर राशि की घात 3 होती है उसको त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। इसमें चर राशि का मान बदलता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है, चर राशि का मान आपको बदलेगा, अचर राशि का मान नहीं बदलेगा। चर राशि को हम लोग प्रायः एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अचर राशि को हम लोग 1, 2, 3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, इसलिए वह एक ही जगह पर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मान स्थिर रहता है, तो अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान स्थिर नहीं रहता, तो चर राशि का मान स्थिर नहीं रहता, इसलिए चर राशि का मान अस्थिर रहता है, अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान बदलता है, चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता, अचर राशि का मान नहीं बदलता। जिस चर राशि की घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिस चर की घात 2 होती है उसको वर्ग समीकरण बोलते हैं, जिस चर की घात 3 होती है उसको त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर हो गया। इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन 2x - 3 = 11। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, x = कितना पुट करना है और y = जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर दिया गया है कितना है 2 और 5, यहां पर 2 और 5 इतना पुट करना है y = और b इक्वल टू दिया है, देखिए b इक्वल टू आपके पास दिया है कितना दिया है -1 और 3 इतना दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्लियर?
टेंथ क्लास है, बोर्ड क्लास है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपको बोर्ड पेपर का क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से चर राशि का मान के लिए, या किसी भी विधि से 1 4 नंबर का आता है, छोटा क्वेश्चन 1 2 नंबर का आता है, 1 4 नंबर का आपका आता है। तो यहाँ पर चर राशि के लिए आपको हल करना है। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग थर्डा के लिए एक से इक्वल टू कितना पुट करेंगे, यहाँ पर अ का पुट करते हैं, पहला अ का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू दिया है -11। आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 2x-3y। अब फर्स्ट टाइम में मैं x इक्वल टू कितना पुट करूंगा 2, और y इक्वल टू पुट करूंगा मैं 5, तब की स्थिति में मेरा इक्वेशन हो जाएगा 2x की जगह में आपको पुट करना है 2-3y की जगह में आपको पुट करना है 5, 2 2 जो हो जाएगा आपको 4-3 5 जो हो जाएगा आपका 15, 15-4 इक्वल टू आएगा आपका -11। -11 आया जी, बिल्कुल आया, मतलब यह अ नंबर के लिए क्या है भाई, सत्य है, अ नंबर ये समीकरण का हल है, ठीक है। चलिए अब ब नंबर के लिए इसको देखते हैं भाई। ब नंबर में क्या करना है, x इक्वल टू 1 रखना है, y इक्वल टू 3 रखना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है भाई, 2 हो जाएगा, x की जगह में आ जाएगा आपको 1, और y के जगह में आपका आ जाएगा कितना, y के जगह में आपका आ जाएगा यहां पर -3। तो यहां हो जाएगा आपका -3, यहां पर आपका हो जाएगा -3, ठीक है। तो 2 1 हो गया और माइनस हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, y के जगह में आपको पुट करना है कितना 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 1 2 -3 3 9, आपका आंसर आएगा -7, जो कि RHS की इक्वल नहीं है, इसलिए यह अ के लिए सत्य है, ब के लिए सत्य नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया 5x+3y, तो यहां पर सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर लेना है 5x+3y लेना है, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम में x इक्वल टू पुट करना है 2, y इक्वल टू पुट करना है आपका 5। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में मैं पुट कर दिया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू यहाँ पर मैं पुट कर दिया कितना, y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 10 + 3 5 15, कितना हो जाएगा 15 + 10, यहाँ पर आपका 25 हो गया। अब सेकेंड टाइम में यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 2 10 हो गया और y का वैल्यू है 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15 15 + 10, कितना हो जाएगा आपका 25। मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अ के लिए यह सत्य नहीं है। अब ब का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, तो अब की स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, x का वैल्यू है 1 प्लस 3 हो जाएगा, y का वैल्यू है आपका 3, कितना हो जाएगा 5 5 5 + 3 3 9 9 + 5, कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहां पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब यह अ ब दोनों के लिए समीकरण का हल नहीं है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, जांचे कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, जो हम अ नंबर में बना रहे हैं वही क्वेश्चन आपका सेम उसी के जैसे आपको भी यहां पर सॉल्व करना है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 2x+5y = 1 और 2x+3y = 3, उसमें एक इक्वेशन दिया था लाइनर इक्वेशन, आपका जो रैखिक समीकरण है, 1 चर का रैखिक समीकरण है, 2 चर का रैखिक समीकरण है, वो आपको एक बार में ही दिया था। यहां पर 2 इक्वेशन दिया है आपका, दोनों इक्वेशन में इसका वैल्यू को पुट करना है, x = 3 y = -1 और y = x = 1/2 y = 1/3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर एस ओ एल वी ई डॉट सॉल्व मेंशन कीजिए, सभी नोट करते हुए जाइए। तो यहाँ पर x इक्वल टू फर्स्ट टाइम मैं 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2, x की जगह में हो जाएगा 3 प्लस 5, y की जगह में कितना रखूंगा -1, क्लियर। इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 6 और 5 1 5, तो कितना आ गया आपका 1, तो हमारे पास कितना है 1, मतलब ये अ के लिए क्या है आपका सत्य है। चलो इसके लिए देखते हैं, 2x की जगह में आपको रखना है 3, तो 3 हो गया प्लस 3, y की जगह में कितना रखना है -1, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और माइनस हो जाएगा आपका 3, मतलब 3 आएगा, मतलब ये ब के लिए आपका, मतलब दूसरा क्वेश्चन के लिए सत्य नहीं है, फर्स्ट के लिए आपका सत्य है। ये तो अ का रखे, तो अ का रख रहे हैं तो ना, अब ब का रखते हैं भाई, ब का रखते हैं यहाँ पर 2x+5y = 1, तो ब का रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x की जगह में 1/2 है प्लस 5 हो जाएगा, y के जगह में आपका 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 5/3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 + 5/3 मीन्स 8/3, मतलब ये भी फर्स्ट के लिए लागू आपका नहीं होगा, क्लियर ब के लिए भी। अब ब के लिए यहाँ पर रखते हैं 2x+3y में,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। बा का वैल्यू को रखो x इक्वल टू 1 बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई टू प्लस 3, वाई की जगह में है 1 बाई 3, ये कटेगा ये भी कटेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब ये भी इसके लिए सत्य आपका नहीं है, LHS इक्वल टू आपका RHS नहीं आ रहा है। क्लियर, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5xy और यहाँ पर है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सेकेंड नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना दिया है भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपका 5xy, इतना लाना है। क्लियर, तो x की जगह में रखना है आपको 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया, प्लस y की जगह में रखना है -1। क्लियर, तो यहाँ पर इसको तो इसका वैल्यू रख दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 1 तो -2 आ जाएगा, मतलब सॉरी प्लस 2 आ जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। दूसरा आपको क्या रखना है भाई, x इक्वल टू 1 बाई टू, तो यहाँ पर 1 बाई टू रख दिया और y इक्वल टू 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई थ्री रख दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 बाई 6 इक्वल टू 5 बाई 6, यहाँ पर भी नहीं आया। क्लियर, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में रखते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू है आपका 13xy। तो 3x की जगह में कितना रखेंगे भाई, 3x की जगह में आप रखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2y की जगह में होगा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, जो कि सत्य नहीं है। बाकी क्वेश्चन को भी ऐसा करोगे तो उसके लिए आपका सत्य नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, 3x प्लस 7y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से वैल्यू को देख लेते हैं, एक 3 है और y इक्वल टू -1, 3 माइनस 1 यहाँ पर है इसका वैल्यू 3 और y का वैल्यू रखेंगे -1 फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम में कितना रखेंगे भाई, सेकेंड टाइम में इसका रखेंगे हम लोग 1/2 1/3 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 1/3। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से दोनों से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, LHS लेते हैं इसका, LHS कितना है 2x माइनस 3 बाय वाई, तो 2 हो जाएगा, x की जगह में कितना रखना है 3, इसको रखो पहला 3 माइनस 3 बाय वाई का जगह में कितना है -1, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस माइनस का प्लस 3 9 आया है यहाँ पर, जी बिल्कुल आया, मतलब ये आपका सत्य है। दूसरा रखते हैं x इक्वल टू 1 बाय 2, यहाँ पर चलो तो 1 बाय 2 हो गया और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 बाय वाई की जगह में कितना रखना है आपका, वाई की जगह में 1 बाय 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 से कट जाएगा 1 माइनस ये 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, मतलब -8 हो जाएगा, ये आपका सत्य नहीं है सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए आपका सत्य नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम लोग 3x प्लस 7y इक्वल टू 2 के लिए, चलो तो यहाँ पर है आपका 3x प्लस 7 बाय वाई, इतना है। फर्स्ट टाइम में हम क्या पुट करेंगे भाई, फर्स्ट टाइम में पुट करेंगे x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू -1, तो 3 हो गया, x की जगह में आपका भाई 3 प्लस 7 हो जाएगा, y की जगह में आपका -1, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 -7 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, 2 आया है, जी बिल्कुल आया, मतलब ये फर्स्ट के लिए क्या है आपका सत्य है, फर्स्ट के समीकरण का हल है। सेकेंड को रखते हैं भाई x इक्वल टू 1 बाय 2, तो 3 हो जाएगा, x की जगह में आ जाएगा आपका 1 बाय 2 और प्लस हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा, y के जगह में आपको रखना है 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 3 बाय 7, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा 21 6 प्लस 7 27 बाय 14 आ जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमको दिया गया है, इस क्वेश्चन को तो हो गया, ये तो आपका हो गया, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहला कितना दिया है 2x प्लस 5y दिया है इक्वल टू 8 बाई 3, इतना लाना है। तो पहला स्थिति x बराबर रखते हैं और y बराबर रखते हैं, कितना दिया है भाई x और y बराबर 3 और -1, ठीक है 3 दिया है यहाँ पर, यहाँ पर -1 दिया है, और दूसरा कितना दिया है आपका 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 2 और 1 बाय 3, इतना रखना है भाई। तो चलो पहला को रखते हैं यहाँ पर, पहला में रख कर देखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की जगह में 3 रखना है, 3 रख दिया प्लस का प्लस 5 का 5, y की जगह में कितना रखना है -1, तो -1 हो गया, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6
माइनस फाइव इक्वल टू कितना हो गया वन, वन आया नहीं आया। चलो अब दूसरा को वैल्यू को रखते हैं, ये तो आपका ए वाला को रख दिया, अब बी वाले को रखते हैं कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। एक्स की जगह हम कितना रखना है वन बाई टू, तो वन बाई टू हो गया प्लस फाइव। वाई की जगह हम कितना रखना है वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री हो गया, ये टू से टू कटेगा वन प्लस कितना हो जाएगा ये आपका फाइव बाय थ्री हो जाएगा, मतलब थ्री वन जो थ्री, थ्री प्लस फाइव बाय एट, मतलब एट बाय थ्री हो जाएगा ये। क्लियर, ये राइट है, सेकेंड के लिए आपका प्रूफ है भाई। क्लियर, चलिए अब इसका सेकेंड को देखते हैं। 3x है, 3x माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव बाय सिक्स हमको लाना है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 3 हो जाएगा। x की जगह हम क्या रखेंगे भाई, x की जगह हम रखेंगे 3 माइनस टू, y के जगह हम कितना रखेंगे माइनस वन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जो 9, माइनस माइनस का प्लस, 2 1 जो 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, हमको लाना है 5 बाय सिक्स, मतलब ये आपका आंसर नहीं है, मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। दूसरा रख देते हैं भाई, दूसरा हम क्या रखना है x इक्वल टू 3, तो 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो गया, माइनस टू हो गया, वाई की जगह हम कितना रखना है माइनस वन, तो माइनस वन रख दो यार, क्या दिक्कत है, थ्री थ्री जा नाइन और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका टू, तो नाइन प्लस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे ही आपका इलेवन आ जाएगा। फर्स्ट का थ्री था और माइनस वन रखे थे, सेकेंड का आपका वन बाई टू रखना है, वन बाई थ्री रखना है यार, यहाँ पर आपका वन बाई टू, यहाँ पर आपका वन बाई टू, चलो यहाँ से हम इसको रख देते हैं भाई वन बाई टू, तो थ्री हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर वन बाय टू आएगा, माइनस टू आएगा, वाई का वैल्यू कितना है आपका वन बाय थ्री, कितना हो जाएगा थ्री बाय टू माइनस टू बाय थ्री हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर बाय थ्री टू जा सिक्स, तो कितना आ जाएगा फाइव बाय सिक्स। ये दूसरा के लिए सही है भाई, क्लियर, ये दूसरा के लिए आपका सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ नंबर, समीकरण का हल है या नहीं इसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसका अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। समीकरण को आपको किसी भी विधि से हल करना है, किसी भी विधि से हल करना है मतलब आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि एक सक के मान को रख करके एक सक का कुछ ऐसा मान निकालते हैं जो वाई के लिए लागू हो, या वाई का मान कुछ ऐसा निकालते हैं जो एक सक के लिए हो, मतलब प्रतिस्थापन मतलब किसी एक चर राशि के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापित करना ही आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। विलोपन विधि किसको बोलते हैं, जिसमें चर राशि के गुणांकों को आपस में बराबर किया जाता है, या तो उसको जोड़ करके, या तो उसको घटा करके, या तो उसके गुणांक को बराबर करके, जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। तो बीजीय व्यंजक विधि को सॉल्व करने की तीन विधि होती है, पहला आपका आलेखी विधि होता है, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि होता है, तीसरा आपका विलोपन विधि होता है। क्लियर, एक और होता है बद्ध गुणनखंड विधि। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि को देखेंगे और प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन करते हैं सॉल्व, हमारे पास जो दिया गया है उसको बेसिकली आपको लिखना है भाई, या क्या दिया गया है देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। क्लियर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा दिया है भाई देखिए 3x माइनस टू वाई इक्वल टू दिया है आपका 12, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण एक से या दो से आप किसी x का मान या y का मान निकाल सकते हैं, किसी भी चर राशि के मान को निकाल करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो समीकरण एक से निकाल लेते हैं यार हम लोग, क्या दिक्कत है, समीकरण एक से ना एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई इधर कन्वर्ट होकर के प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई माइनस वन, ऐसा रख सकते हैं। अभी इस एक्स का मान को समीकरण दो में रख रहा हूँ मैं, समीकरण दो में मान रखने पर, समीकरण दो में मान रखने पर, चलिए रखने पर तो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका वाई माइनस वन, माइनस टू हो जाएगा, वाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्वेल्व, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा थ्री वाई, फर्स्ट टाइम थ्री का मल्टीप्लाई वाई के साथ होगा थ्री वाई, माइनस सेकेंड टाइम वन के साथ होगा थ्री वन जो थ्री, माइनस टू का मल्टीप्लाई वाई के साथ होगा टू वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्वेल्व। चलिए यहाँ पर थ्री वाई में टू वाई जाएगा तो वाई बचेगा वाई माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री इधर आ जाएगा, तो ट्वेल्व प्लस थ्री इक्वल टू हो जाएगा आपका फिफ्टीन, वाई का वैल्यू फिफ्टीन आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर फिफ्टीन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर्टीन, ये रहेगा आपका आंसर। इसको बोला जाता है आपका प्रतिस्थापन विधि, किसी एक चर राशि के स्थान पर दूसरे चर राशि का व्यक्त करना, उसके रूप में उसको निकालना ही आपका क्या कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो चूंकि यहां पर हम लोग एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चर राशि की घात है वो एक है, और यहां पर केवल दो चर हैं, इस कारण से इसको दो चरों का रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक्स वाई हो सकता है, या वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है, या एक्स जेड हो सकता है, लेकिन क्रमानुसार में देखा जाता है तो हमेशा
एक्स और वाई ही आता है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल के रूप में चलता है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद आपका जेड आता है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर, जिसको हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से बनाया है। अब देखते हैं भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, क्लियर। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस तरीके से होगा, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो दिया गया है इसको फिलहाल लिखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर, दिया है x माइनस टू वाई इक्वल टू दिया है 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड में आपके पास दिया गया है 2x माइनस फोर वाई इक्वल टू दिया गया है आपका 6। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और x का वैल्यू फाइंड आउट होने के पास उसको y के वाले समीकरण में रख देंगे, तब y का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों चार राशि का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण एक से, तब की स्थिति में x माइनस टू वाई इक्वल टू 5 है, तब की स्थिति में x का वैल्यू निकाल सकता हूं 5 प्लस 2y। ये आपका माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। चेंजिंग रूल होता है समीकरण का, ठीक है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष जिसको LHS और RHS बोलते हैं, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष बोलते हैं, वामावर्त दक्षिणावर्त बोलते हैं। समीकरण में जो बीच का जो आपका चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, इक्वल का सिंबल होता है। अब इसमें समीकरण को हल करने के चार विधि होते हैं, यहां पर प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में आएगा। तो इस स्थिति में एक सेकंड मान को मैं समीकरण दो में रख रहा हूं, ठीक है। समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। एक्स की जगह में, इस एक्स की जगह में मैं मेंशन करूंगा कितना, 5 प्लस 2y। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2y माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। अब यहां से मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 5 के साथ होगा, 2 5 जा 10। नाउ 2 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 2y के साथ होगा, 2 2 जा 4y माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। यहां पर दोनों चर राशि कट जा रहा है, और दोनों चर राशि कट जाएगा मतलब रेखाएं समांतर होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चर राशि का मान कट जा रहा है, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड के यहां पर आपका हल नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि इसमें चर राशि का मान कट जा रहा है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, और यहाँ पर दिया है आपका 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 1, 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3 बाई 5 इक्वल टू 0, क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है आपका 6, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और x इक्वल टू दिया गया है भाई y प्लस 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से देखिए x का वैल्यू प्राप्त है आपका y प्लस 2, तो समीकरण 2 का वैल्यू, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण दो का मान एक में रखने पर तो अब आपका क्या हो जाएगा भाई, एक की जगह हम रख देते हैं y प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ये होगा क्योंकि इस एक की जगह भाई मैं रख दिया y प्लस 2, तो y प्लस 2 प्लस वाई, वाई वाई कितना हो जाएगा आपका 2y, ये प्लस 2 कन्वर्ट माइनस, तो 6 माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई किस में जाता है आपका, डिवाइड में जाता है, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास चर राशि का मान आ गया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई हम लोग। कितना दिया है 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 1, ए सो एल भी ई डॉट्स वैल लॉ मेंशन कीजिए। हमारे पास पढ़ा दिया 5x माइनस 8y इक्वल टू दिया है माइनस 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x बाय 1 माइनस 24 बाय 5y प्लस है आपका 3 बाय 5 इक्वल टू है आपका 0। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 5 3 जा 15x माइनस 24 वाई हो जाएगा, वाई में हो जाएगा 5 1 जा 5 इतना हो जाएगा प्लस 3 बाय 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इसको फिर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, 15 5 जा कितना हो जाएगा 15 चौक 60 होता है, 15 5 75 हो जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा 24 5 हो जाएगा 4 5 20, और 5 4 5 20 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा 120 वाई प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा होगा तो 3 5 15
बटे में कितना हो जाएगा आपका, 5 × 6 = 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। इधर आकर के क्या हो जाएगा, 0, तो कितना हो जाएगा 75x − 120y + 15 = कितना हो जाएगा, 0। 15 के टेबल में आता है सभी, कटा दो भाई, 15 × 5 = 75 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, और ये हो जाएगा 15 × 15 = हो जाएगा आपका 0। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब 5x − 8x + 1 = 0। क्लियर, ए आपका हो जाएगा 8y = +1, तो यहाँ पर 5x − 8y + 1 = 0। तो चलिए समीकरण एक से, यहाँ से समीकरण दो से देखते हैं। समीकरण एक को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5x − 8y = −1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण दो को, समीकरण दो को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 5x − 8y = हो जाएगा −1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, जो घटाते हैं यहाँ पर, इसको मैं घटा दिया, ये वाला ये घट गया, ये आपको घट गया, मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब चार राशि का मान आपका पूरा कट गया, मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि आपका चार राशि का मान कट जाएगा। तो क्लियर, तो ये था आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये है 3x − 4y − 1 = 0 और 2x − 8/3y + 5 = 0। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, क्या दिया है, 3x solve 3x − 4y − 1 = दिया है 0। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x − 4y = 1 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर एक। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2x − 8/3y + 5 = हो जाएगा 0। अगर इसको हम लोग क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बाय में 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5y 1 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6x − 8y 1 + 8y, बाय में हो जाएगा 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 5y कितना हो जाएगा 1 = हो जाएगा आपका 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 8y का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा, नीचे में 3 × 1 = 3 यहाँ आएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x − 8y + 15 = इधर आकर के हो जाएगा आपका 0, तो फिर से हो जाएगा 6x − 8y = −15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो से देखिए, समीकरण एक है भैया यहाँ पर देखिए, समीकरण एक आपका क्या है भाई, 3x − 4y = 1 और समीकरण दो क्या है आपका 6x − 8y = −15, ये है आपका। चलिए अब यहाँ से आप किसको विलोपन से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी बना सकते हो। विलोपन बनाने के लिए 6 × 3 के साथ कीजिए, 3 × 2 इसके साथ कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 के साथ करो, 6 × 3 = 18, तो ये हो जाएगा 18x × 6 = 24y, और ये हो जाएगा 6 × 6, और ये कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18x − 3 × 8 = 24y, और ये हो जाएगा 3 × 15 = 45। देखिए अब यहाँ पर इसको घटा देते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये कट जा रहा है आपका, तो चार राशि का मान कट जाएगा, मतलब इस समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि अगर चार राशि का मान कट जाएगा भाई तो आपका आंसर कैसे आएगा। क्लियर, तो ये था आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आपका है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, मतलब सिक्स नंबर का क्वेश्चन। चलिए सिक्स नंबर के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, इसको साइड में रखिए। अगला है हमारा x + 2y = 8, x + 2y = है आपका 8, ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक। दूसरा है आपका 2x + 4y = है 16, ठीक है, यहाँ से 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा x + 2y = हो जाएगा 8, ये हो गया आपका समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो को घटा देते हैं भाई, समीकरण एक व दो को घटा देते हैं, x + 2y = कितना हो जाएगा 8, घटाएंगे तो माइनस पूरा कट गया, पूरा कट जाएगा तो भाई इस समीकरण का कोई हल आपका नहीं होगा। क्लियर, तो ये था आपका सिक्स नंबर का
क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा, निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। चर के लिए हमको इसको हल करना है। आपके पास दो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर राशि के स्थान पर दूसरे चर राशि का मान रखना है, फिर दोनों को सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से आ जाएगा। विलोपन विधि में आपको दोनों चर राशि के गुणांक को आपस में बराबर करना है। अगर आपस में दोनों बराबर हो जाएगा तब आपका आंसर आएगा। तो इस स्थिति में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जो उसको बेसिकली आपको इस तरीके से लिखना है। क्या दिया गया है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है माइनस 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए समीकरण एक और दो को हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से बना रहे हैं। समीकरण एक और दो को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस के कारण आपका एक सा कट जाएगा, वाई वाई के कारण ये टू वाई जुड़ जाएगा। वाई प्लस वाई इक्वल टू टू वाई, सेवन प्लस वन हो जाएगा एट। वाई का वैल्यू आ जाएगा एट बाय टू इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर। इस वाई के वैल्यू को हम लोग समीकरण एक में रख देते हैं, फिर हमको एक सा मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक सा प्लस हो जाएगा, वाई का वैल्यू है आपका फोर इक्वल टू हो जाएगा सेवन। एक सा वैल्यू आ जाएगा आपका 7/4, 7-4, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। ये रहा आपका आंसर, चार राशि के लिए इसका मान आपका आ गया। इसी के जैसे में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को तो देख लिए, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन है कितना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक। दूसरा दिया है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो के गुणांक को हम लोग बराबर करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2, इतना हो जाएगा। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीन। समीकरण एक और तीन को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं भाई, इसको और इसको घटा देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करना, ये कटेगा, वाई प्लस फोर वाई जुड़ेगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। y का वैल्यू 2 आ गया। अब y के वैल्यू को रख दो समीकरण एक में, कितना हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू कितना है 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। y की जगह में रख दो भाई, कितना आ गया है आपका, 2 आ गया है इक्वल टू 8 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू 8 माइनस 2, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। क्लियर। तो ये था दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन को भी आपको इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, और सेकेंड में दिया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड है आपका 2x माइनस y इक्वल टू है आपका 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि दोनों का गुणांक बराबर नहीं, तो दोनों का गुणांक को बराबर कर लेते हैं भाई। समीकरण एक में, समीकरण एक में दो का तथा दो में, तथा दो में चार का गुणा करने पर, चार का गुणा करके घटाने पर, घटाने पर। तो इसमें दो का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6 और 5 × 2 = 10। यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे, 4 × 8 और माइनस 4 का गुणा वाई के साथ, तो 4y और 4 × 2 हो जाएगा आपका 8। अब इसको घटाना है भाई, घटा दो इसको, 8x आपका कटेगा, कितना हो जाएगा, 6 + 4 10y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा। तो भाई 10 में 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2/10 बराबर y का वैल्यू आ जाएगा 1/5, और इसी 1/5 को आपको लिख रखना है समीकरण नंबर एक में। तो चलिए समीकरण नंबर एक में रख देते हैं भाई, क्या आएगा हमारा आंसर, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3y का वैल्यू है 1/5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तब 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो 4x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5 − 3/5, तो 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 − 3/5। तब की स्थिति में 4x का वैल्यू आ जाएगा आपका 22/5 इंटू हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 1/4, तो कितना हो जाएगा, 22/20 x का वैल्यू। क्लियर, ये रहेगा आपका आंसर।
तो चलिए ये था हम लोगों का दो चरों का रैखिक समीकरण वाला, ठीक है। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।